नमस्कार मित्रों, जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। वृषभ राशि वालों, 22 जनवरी की रात 11 बजे से भगवान संकट मोचन हनुमान जी की कृपा से आपको 3 बड़ी कामयाबी मिलने वाले हैं। सुनकर आप खुश हो जाओगे। भगवान संकट मोचन आपके जीवन के सारे संकटों को दूर करने वाले हैं। इस वीडियो में बताई गई जानकारियां ग्रह गोचर एवं आपके चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। दोस्तों बता दें कि इस दिन शनिवार का दिन रहेगा और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। इसके साथ ही पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र निर्माण हो रहा है और सूर्य अभी मकर राशि में विराजमान है, परंतु चंद्रमा सिंह राशि को छोड़कर कन्या राशि में संचार करने वाले हैं। दोस्तों बता दें कि आपके लिए जो शुभ समय है दोपहर 12:16 से लेकर 12:59 तक का जो समय है आपके लिए बेहद ही शुभ है। इस समयावधि में आप किसी भी प्रकार की नए और शुभ कार्यों को कर सकते हैं। आपके कार्यों में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं नहीं आएगी। दोस्तों आने वाले 24 घंटों में आपकी लव, स्वास्थ्य, कैरियर और धन की स्थिति में क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं और क्या परिवर्तन होने वाले हैं, आज की इस वीडियो में हम पूरे विस्तार से जानेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें और भगवान संकट मोचन के सभी सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय महाबली जरूर लिखें। भगवान संकट मोचन आपके सारी संकटों को दूर करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, आपका दिन जो है वह काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छा है और आज आप खुद को गौरवान्वित महसूस करेंगे। जिन दंपतियों को अब तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है उन्हें इससे न्यूज़ गुड न्यूज़ मिल सकती है और घर में किसी प्रकार की नन्हे चिलकारी संबंधित शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। अगर आप कॉस्मेटिक का बिजनेस शुरुआत करने की सोच विचार प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए दिन काफ़ी उत्तम है, काफ़ी अच्छा समय है। आपको उसमें अच्छी खासी इनकम होगी, शुरुआत कर सकते हैं, आपको लाभ होगा। और इस राशि वकीलों के लिए तो यह समय काफ़ी अच्छा है और बहुत बढ़िया गुजरने वाला है। इसके उपरांत अधिकतर समय परिवारजनों के साथ व्यतीत करने से आपको सुकून और खुशी मिलेगी और इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे यह समय वरिष्ठ लोगों के अनुभवों को जरूर आत्मसात करें। इसके उपरांत यह समय विद्यार्थी वर्ग अपनी पढ़ाई को लेकर पूरी तरह से गंभीर रहेंगे और परिवारजनों के साथ कोई धार्मिक अनुष्ठान संबंधित प्रोग्राम भी यह समय बन सकता है। इसके उपरांत यह समय अगर आपकी सावधानियां को लेकर बात करें तो दोपहर के बाद परिस्थितियां अनुकूल और काफ़ी अच्छी रहेगी, इसलिए धैर्य बनाकर काम रखना अभी आपके लिए उचित रहेगा। इसके उपरांत यह समय व्यर्थ के खर्चों पर रोक लगाना अभी आपके लिए बेहद ही जरूरी है। अपने बजट के अनुसार ही खर्च करें, अन्यथा आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। इसके उपरांत यह समय युवाओं को मौज मस्ती में अपेक्षाओं, अपने करियर और भविष्य संबंधित योजनाओं पर ध्यान देने की अधिक से अधिक आवश्यकता है, परंतु व्यक्तिगत कार्य पर उचित ध्यान देने के समय आपको जरूरत है, आवश्यकता है। इसके उपरांत यह समय आलस्य की वजह से आप कुछ काम नज़रअंदाज कर सकती हैं। आपके लिए बेहतर यही होगा कि अपने काम पर अधिक से अधिक ध्यान फोकस करें और काम को टालने का प्रयास इस समय आप ना करें तो आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत यह समय देखिए कारभार जो है वह आपका बढ़ सकता है, जिसका बोझ आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा। काम के साथ साथ इस समय आप आराम करें तो आपके लिए बेहतर होगा। इसके उपरांत यह समय समझदारी और सावधानी से काम लेने का समय है। ज़्यादा आप तनाव लेने से इस समय बचिएगा और दूसरों के मामलों में ज़्यादा हस्तक्षेप ना करें तो अभी आपके लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा आप बुरी मुसीबतों में पड़ सकती हैं और परेशानी जो आपके लिए खड़ी हो सकती है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों बता दें कि यह समय अपने नज़दीकी मित्रों तथा संपर्क सूत्रों के साथ संबंधों को और अधिक बेहतर बनाने की आप कोशिश करें तो आपके लिए समय बेहतर साबित होंगे।
परंतु दूसरों की बातों में ज्यादा ध्यान देने की अपेक्षा अपनी कार्य क्षमता पर, आत्मबल पर और आत्मविश्वास को आगे बढ़ाकर रखेगा। इसके उपरांत यह समय किसी संबंधी की समस्याओं में आपको उचित सहायता भी करनी पड़ सकती है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों बता दें कि यह समय आप ज़्यादा तनाव लेने से आपको बचना चाहिए। व्यवसाय को लेकर बात करते, यह समय कार्यस्थल पर कर्मचारियों के साथ उचित तालमेल रखने से व्यवसायिक काम होने आपके होते जाएंगे और आपका प्रभुत्व बना रहेगा। इस समय मार्केटिंग संबंधित कार्यों पर भी ज़्यादा ध्यान दें। ऑफिशियल देखिए डॉक्यूमेंट्स को आप संभाल कर रखें। इस समय चोरी होने या फिर गुम होने की संभावना आपकी बन सकती है। इसके उपरांत यह समय व्यावसायिक नज़रिए से समय आपका थोड़ा अच्छा ही दिखने वाला है और यह समय भविष्य संबंधित योजनाओं में मूर्त रूप देने की भी आप कोशिश करें, आपकी वह कोशिशें कामयाब रहेगी। लेकिन साथ ही ज़्यादा आप कोशिश को मेहनत की भी स्थिति आपकी बनी रहेगी और इस समय कोर्ट के संबंधित कामों में ज़्यादा अभी आप ना उलझें, अन्यथा आपके लिए दिक्कत हो सकती है। इसके उपरांत यह समय व्यावसायिक स्थल पर अपनी उपस्थिति को बनाकर रखना अभी आपके लिए अनिवार्य है। इसके उपरांत यह समय ध्यान रखें कि कोई करीबी व्यक्ति ही आपके जो खास है, वह व्यक्ति ही कर्मचारियों के बीच कुछ गलतफहमियां उत्पन्न कर सकता है, इस बात का ध्यान रखें और जितना हो सके अपनी पर्सनल बातों को एक दूसरे से बताने से बचिएगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों बता दें कि यह समय पिता सामान्य व्यक्ति का सहयोग व देखिए सलाह आपके लिए लाभदायक साबित होगा और पिताजी आपको अधिक से अधिक सहयोग करेंगे। इसके उपरांत लव लाइफ को लेकर बात करें तो यह समय पारिवारिक वातावरण सुखद बना रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना अभी आपके लिए ज़्यादा बेहतर साबित होगा। इसके उपरांत यह समय और पति पत्नी के बीच मधुरता भरे संबंध रहेंगे और घर के सदस्यों के साथ मौज मस्ती और मनोरंजन में आपका समय व्यतीत होगा। इसके उपरांत आपके सेहत को लेकर बात करें तो यह समय कब्ज और वायु की जो समस्या है वह आपकी बढ़ने की संभावनाएं नजर आ रही है, इसलिए अपने खान पान के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही ना करें और अपने खान पान में अधिक से अधिक ध्यान दें तो इस समय आपके लिए बेहतर साबित होंगे। और वर्तमान वातावरण से अपना बचाव रखें और अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखने के लिए भरपूर प्रयास करें और अगर आपको समय मिले तो आप योगा मेडिटेशन में आप जरूर समय दें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। उपाय की अगर बात करें तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और सुबह शाम और रात को कपूर जलाना बिल्कुल ना भूलें। दरवाजे के कब्जों में तेल डालते रहें, अन्यथा दरवाज़ा खोलते या फिर बंद करते समय आवाज़ करते हैं जो कि वास्तु के अनुसार अत्यंत अशुभ और अनिष्ठाकारी होता है। बाहर जाने से पहले कुछ मीठा खाकर इस समय आप जाएं, आपको हर एक कामों में सफलता मिलेगी और आपको सभी काम आपके सफल होंगे। दोस्तों आपका शुभ रंग है गुलाबी कलर, भाग्यशाली अंक है 9। दोस्तों अगर इन जानकारियों से आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय बजरंगबली। धन्यवाद।